Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। Now वाईफाई स्टडी अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप, फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी एक बार फिर से हाजिर हूं एक धमाकेदार सेशन लेकर आरपीएफ का, फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो जल्दी से फटाफट से आ जाइए, जल्दी से। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? सोनू, आकाश, राकेश, गुंजन, संदीप, धर्मपाल, सुमन, मंजू, लता, अनिल, राजकुमार, बिट्टू, अवधेश, धर्मपाल, किरण, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून एंड वार्म वेलकम, फ्रेंड्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग और किस तरीके से आपके पेपर जा रहे हैं, जल्दी से फटाफट से बता दीजिए। साउंड वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही वापस से लेकर आए हैं मिक्स टॉप सेशंस, ठीक है ना। मिक्स क्वेश्चन का टॉप सेशन वापस से लेकर आए हैं, यानी आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं वो टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो अभी इस साल आरपीएफ के एग्जाम में देखने को मिले हैं, फ्रेंड्स, ठीक है ना, ताकि आने वाले लोग बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए, उस चीज के लिए आदी हो जाए कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। हमने जो भी लेवल प्रोवाइड कराया दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि उससे लो लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही तगड़े हैं, अच्छे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें समय लग रहा है, ठीक है। तो आज उसी तरीके के क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। फटाफट से पेन और पेपर ले लो, फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेशन, ठीक है ना। चलिए फटाफट से ले लीजिए पेन और पेपर और बताइए भाई कैसे। बिल्कुल 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 भगवती, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल पूरा पेपर वही है अगर जिसने एंड तक, ठीक है ना, कंटिन्यूसली वो टॉप 40 क्वेश्चंस कंटिन्यूसली जो सीरीज से रिलेटेड अगर उसने क्वेश्चंस लिए हैं, देखे हैं, ठीक है, तो अभी तक कम से कम हम लोग 1300-1400 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। 1400 क्वेश्चन रीजनिंग के आरपीएफ के लिए जिसने एक बार भी कंटिन्यूसली उन टेस्ट के ये सीरीज देख ली, ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए, उसको इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया कि रीजनिंग के अंदर वो डेफिनेटली पूरे में से पूरे नंबर उठा सकता है, ठीक है ना। और यही कॉन्फिडेंस बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, लव यू ऑल, आप सभी का प्यार यूं ही बना रहे हैं ना, फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है, जल्दी से तैयार हो जाइए, पेन और पेपर ले लो, क्योंकि टाइमर मिलने वाला है आपको उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। देखिए इधर ध्यान से देखना क्वेश्चन को, आपको रिलेशन बताना है, एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इनके बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है ना। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के लिए क्या तो टाइम दूं मैं, मुश्किल से 10 सेकंड बहुत हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। ध्यान से लॉजिक लगाओ और देखो कि क्या आंसर होगा। वैकेंट एम्प्टी, तो डेथ का क्या होगा? टाइम्स अप दोस्तों, टाइम्स अप। चलिए देखना इधर, रिक्त, रिक्त का पर्यायवाची है खाली, ठीक है ना। वैकेंट का सिनोनिम से एम्प्टी, तो बोल रहा है कि अकाल, अकाल का मतलब क्या होगा? अकाल मतलब क्या? अल्पता, स्केर्सिटी, सीधी सी बात है। अकाल मतलब क्या? सूखा, कमी, अल्पता, ठीक है ना। तो ये जो हो गया डेथ, इसका मतलब क्या है? स्केर्सिटी, ठीक है ना, अल्पता। तो आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल दोस्तों, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो देखो क्वेश्चन हर तरीके का आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है जिसमें चंद सेकंड लग रहे हैं, और क्वेश्चन ऐसा भी आ रहा है ट्रिकी, काउंटिंग और फिगर से रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको समय लगे। लॉजिकल वेन डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन में आपको समय लगेगा, या पूर्वानुमान पूर्वधारणा से संबंधित, या इक्वलिटी इनइक्वलिटी कोडेड ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के हमने जबरदस्त सेशन ले लिए, तो भैया जिन लोगों ने भी अटेंड नहीं किया है ना, वो प्लीज अटेंड करके एक बार देख लेना उन सेशंस को, ठीक है। आप लोगों की डिमांड पर अभी तक जितने भी टॉपिक्स चल रहे थे उनको कवर करते हुए हमने फिर से टॉप 40 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फटाफट से जल्दी से आ जाइए, शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग आ जाएं और सेशन को अटेंड करें, ताकि आपको भी कंपटीशन करने में बहुत मजा आए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, चलिए फटाफट से देखिए, बताओ ना आपको कि कौन इसमें क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है, ठीक है। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, और 20 सेकंड में दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से लॉजिक लगाइए और बताइए दोस्तों। चलिए फटाफट से करिए, क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग। बिल्कुल दिनेश, मनीष, श्री, मंजू, ज्योति, संजय, बबलू, बहुत बढ़िया। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमारा बहुत अच्छा पेपर गया और 34 क्वेश्चन सर मेरे एग्जैक्ट सही है, बहुत ही बढ़िया राहुल, ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। आप लोग जल्दी से अब साथ ही साथ सेशन को अटेंड करिए और मजे करिए फटाफट से कि क्या आने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहां पर लॉजिक लगाते हैं, HMPU और यहां पर दे रखा है IOSY, तो आपको दिखाई दे रहा है H का I +1, M के बाद NO +2, P के बाद QRS +3 और U के बाद VWXY, यहां पर +4 हो रहा है। तो डेफिनेटली यही चीज हम लोग इसके अंदर भी लगा देंगे, लॉजिक इस तरीके से चल रहा है। तो GMRF, ठीक है, +1 +2 +3 +4। चलिए फटाफट से, G के बाद H, M के बाद NO, R के बाद STU, F के बाद GHI और ये J, तो आंसर बनेगा HOUJ, ठीक है। HOUJ ये हमारा आंसर हो जाएगा, B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, मजा आ गया यार दोस्तों, ठीक है। चले नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल रेडी हो, बिल्कुल रेडी हो ना, एकदम मस्त तरीके से आराम से दिमाग को रिलैक्स रखो, शांत रखो और क्वेश्चंस का रिप्लाई करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए फटाफट से रेडी हो जाइए। अब देखो इधर, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। 50, 65, 122 क्या? 20 सेकंड आपके पास में, चलिए फटाफट से बताइए। चलिए फटाफट से, मैंने बहुत बार ये लॉजिक आपको समझाया है, बहुत बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार आपको ये लॉजिक समझाया है मैंने। 50, 65 तो 122 क्या? चलिए अब ध्यान से देखना, इधर एक चीज को समझना है एक बार। 50, 65, अरे साफ साफ दिखाई दे रहा है यार, साफ साफ दिखाई दे रहा है, मैंने 1000 बार बोला है। अरे नियर स्क्वायर या नियर 100 देखा करो, अगर वैल्यू समझ में ना आए तो सबसे पहले नियर स्क्वायर या नियर क्यूब देखा करो। तो देखना इधर, यहां पर देखना 50 और 65, अरे भाई 50 और 65 साफ साफ दिखाई तो दे रहा है। ये 50 क्या है? 7 का स्क्वायर + 1, तो 7 के अगली वाली वैल्यू यानी क्या? 8, तो 8 का स्क्वायर + 1, ठीक है, 64 + 1 कितना हो रहा है? 65। अब इसी तरीके से देखना 122 यहां पर दे रखा है, तो 122 किसके पास की वैल्यू है? 11 का स्क्वायर + 1, 11 का स्क्वायर होता है 121 + 1, यहां पर 122 दे रखा है, तो अगला वाला क्या बनेगा भाई? अगला वाला बनेगा 12 का स्क्वायर + 1, तो भैया 12 का स्क्वायर + 1 बहुत ही सिंपल सी चीज है। 12 का स्क्वायर 144 + 1 145 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और मैं देख रहा हूं कि कम से कम 99% लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। जबरदस्त दोस्तों, मजा आ गया, आप लोगों की स्पीड इतनी अच्छी हो गई है, बहुत ही बढ़िया, देखकर बहुत खुशी होती है। डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन हो, बस यही कामना मैं करता हूं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों, चलिए फटाफट से देखना इधर, आराम से देखना इधर, पहले देखना लॉजिक क्या लगेगा और उसके बाद रिप्लाई करना। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। विषम शब्द बताना है आपको, कौन सा अलग है जांचना है आपको, जल्दी से देखिए। अपोजिट फाइंड करना है, देखना इधर आंसर क्या बनेगा भाई, देखना इधर। विनस वीनस प्लेनेट है, बिल्कुल सही है, वीनस प्लेनेट है। मून सैटेलाइट है, बिल्कुल सही है। सन स्टार है, सूर्य एक तारा है, ध्यान रख लेना, सन एक तारा है, बस ये सौर मंडल का सबसे नजदीकी तारा है, ठीक है ना, इसीलिए अपन ने इसको बोला है सन स्टार है। लेकिन जुपिटर, क्या जुपिटर ब्लैक होल है क्या? अरे है क्या जुपिटर ब्लैक होल? क्या ये सही दे रखा है क्या? तो भैया ये अलग हो गया ना, ये सारे तो मैच कर रहे हैं, क्लियर है, पर ये मैच नहीं कर रहा। सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर, अलग हो गया, यानी कि इसमें सिमिलरिटी नहीं लग रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला विषम अक्षर, वापिस से आपको ओड वन आउट फाइंड करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड ही देखने को मिले थे। तो बताइए भाई क्या लॉजिक लगेगा के क्यू डी जे एस जेड और आर एक्स के अंदर? चलिए फटाफट से रिप्लाई करिए। चलिए देखिए अब इधर के क्यू, फर्स्ट वाला देखते हैं के क्यू, तो के 11 और ये 17, ये हो रहा है +6। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में क्या है? डी और जे, डेफिनेटली +6। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन एस और ये जेड, 19 से 26, तो ये क्या हो रहा है? +7 हो रहा है यहां पे। और डी ऑप्शन आपके सामने है R और X, 18 से 24, तो यहां पर +6 हो रहा है, तो डेफिनेटली अलग कौन सा हो गया, डिफरेंट कौन सा हो गया, समझ में आ गया होगा। इसमें +7 हो रहा है, ठीक है ना, एस जेड, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है और आपको विषम संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, 10 सेकेंड आपके पास में, जल्दी से लॉजिक लगाइए इसके अंदर। टाइम सब दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये 19 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है, ये आपका 28 का स्क्वायर है, और ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो भैया कौन सा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 876 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है ना, 876 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से शब्दकोश के क्रम के अनुसार बताना है कि क्या सीक्वेंस बनेगा। डिक्शनरी का सीक्वेंस बताना है, कोई बात नहीं, ठीक है, 15 सेकंड बहुत होंगे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है और अब चलिए फटाफट से करिए दोस्तों। डिक्शनरी सीक्वेंस बताना है, शब्दकोश का क्रम बताना है आपको, क्या आंसर आएगा इसका? टाइम सब दोस्तों, टाइम सब देखिए, सभी एच से स्टार्ट हो रहे हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा कि सभी एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं। तो अगला लेटर देखेंगे भैया, ई ए ओ ई, ठीक है, तो भैया ई ए ओ ई में ए पहले आएगा, यानी कि 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर के बाद अब देखना ए के बाद ई आएगा, पर ई के बाद ई भी 2 में आ रहा है, फिर इसमें एल आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, तो 5, 2, 5, ठीक है, 2, 5 से स्टार्ट होने वाला एक ही है भैया, पूरा क्यों चेक कर रहे हो, डायरेक्टली बाय ऑप्शन कर लो ना। तो क्या बनेगा? 2, 5, 1, 4, 3, तो बाय ऑप्शन दे कर लिए, ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 2, 5 के साथ आगे की सीक्वेंस यही बन रही है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। वापिस से बताना है आपको, अनुक्रम को पूरा करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, ठीक है। चलिए फटाफट से करिए, देखते हैं क्या आंसर बनेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त यार, मजा आ गया। चलिए अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ए सी +2, सी से ई +2, ई से एफ जी +2, तो जी से एच आई क्या बनेगा? +2, तो डेफिनेटली आंसर क्या बनेगा? आई ऑप्शन इज दी, आई इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सब में +2 होगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, और 25 सेकंड आपके पास में इस क्वेश्चन के लिए। चलिए देखिए फटाफट से करके बताइए कि क्या आंसर बनेगा दोस्तों। 2, 4, 13, 41, 106, चलिए करिए। हमेशा मैंने आपको एक ही चीज बोली है, हमेशा याद रखो, नियरेस्ट स्क्वायर या नियरेस्ट क्यूब देखा करो भैया सीरीज में, हजार बार बोला है मैंने आपको नियरेस्ट स्क्वायर या नियरेस्ट क्यूब देखो, तो देखो यार, देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, देखो तो सही पहले एक बार ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करो। यहां पर 106, 41, 13, 4, 2 इस तरीके से दे रखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो गैप देखो, सबसे पहले गैप देखो यहां पर 2, 4, 13 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। इतना तो दिख गया कि नहीं बन रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप तो ये देखो आप क्या कर सकते हो, इसके बीच का गैप देखो कितना आ रहा है 2, इसके बीच का गैप कितना है 9, इसके बीच का, ठीक है। डायरेक्टली वैल्यू से तो पता नहीं लग रहा, अब नहीं पता लगेगा तो सीधी सी बात है गैप देखोगे, गैप देखोगे तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर आपके पास में गैप आएगा, ये आपके पास में बनने वाला 28, ठीक है 28 आ गया। फिर इसी तरीके से ये जो गैप बनेगा आपके पास में बनेगा 65, ठीक है। तो देखिए अब इधर अगला गैप क्या होगा, यहां पर देखते हैं, इस चीज को समझेंगे। अब आपको ध्यान से अगर देखोगे, इस वैल्यू को ध्यान से देखोगे तो देखो ये 8, ये 27 और ये 64 के करीब है कि नहीं है। मैंने कहा ना कहीं लॉजिक जरूर निकलेगा। आप क्या करोगे, इसको मैं लिख सकता हूं 1 का क्यूब प्लस 1, इस 2 को लिख सकता हूं 1 का क्यूब प्लस 1, इसको लिख सकता हूं 2 का क्यूब प्लस 1, सही है कि नहीं है, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूं 3 का क्यूब प्लस 1, यानी कि 27 प्लस 1 28 होता है, और इसको लिख सकता हूं मैं 4 का क्यूब प्लस 1, ठीक है, यानी 65। तो अगला क्या बनेगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 1 यानी कितना 126, और 126 को जब 106 में ऐड करोगे तो 126 को जब आप 6 में ऐड करोगे तो दोस्तों ये आंसर बनेगा 232, ठीक है ना, क्या बनेगा 232, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए सीरीज के क्वेश्चन में टाइम लगता है। तो आपके पास में लॉजिक है, अगर आपको वैल्यूज नियरेस्ट स्क्वायर या नियरेस्ट क्यूब में नहीं दिखती है तो आप पहले डिफरेंस निकालो, और उस डिफरेंस को भी सबसे पहले हमेशा इस तरीके से चेक करो। ये एक बेसिक पैटर्न है दोस्तों, समझो इस चीज को। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी तरीके के देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, यहां पे ये रहा आपके सामने, और आपको इसके अंदर बताना है कि सबसे ऊंचा कौन है, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सबसे ऊंचा कौन है हाइट के अंदर, आपको फाइंड करना है। हितेश, सन्नी, विक्की, नितिन और भरत को उनकी ऊंचाई के क्रम के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। ऊंचाई के क्रम में बढ़ते हुए, ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो बताना है कि सबसे ऊंचा कौन है। चलिए टाइम सब दोस्तों, अब यहां पे देखना हितेश, सन्नी, विक्की, नितिन, भरत, ठीक है। हितेश, सन्नी, विक्की, नितिन, भरत उनकी ऊंचाई के क्रमानुसार ऊपर से बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। हितेश तीसरे स्थान पर, हितेश के लिए बोल दिया कि वो तीसरे स्थान पर है भाई, ठीक है, ये तीसरे स्थान पर है। फिर आगे क्या बोला है, भरत, नितिन और हितेश के मध्य में। भरत के लिए बोला है कि भरत जो है वो नितिन और हितेश के बीच में, जबकि नितिन सबसे नीचे, नितिन के लिए बोला गया है कि नितिन सबसे नीचे है। तो टोटल लोग कितने थे, 5 लोग थे, तो 5वें में नितिन, नितिन सबसे नीचे, ठीक है। और आगे क्या बोला गया है, उसमें बोला था बीच में लाइन कि हितेश तीसरे स्थान पर है, भरत, नितिन और हितेश के बीच में, भरत, नितिन और हितेश के बीच में, ये पहला और ये दूसरा। अब देखते हैं यहां पर आगे, उनमें से सबसे ऊंचा कौन है वो ये पूछ रहा है। अब देखिए सबसे ऊंचा, देखिए यहां पर हितेश, सन्नी, विक्की, हितेश हो गया, सन्नी नहीं आया, विक्की अभी तक नहीं आया है, ठीक है ना, इनमें कोई लाइन नहीं दी है। हितेश तीसरे स्थान पर है, भरत, नितिन, हितेश के मध्य में है, जबकि नितिन सबसे नीचे है। तो अब बोल रहा है कि सबसे ऊंचा कौन है, तो भैया सबसे ऊंचा हमें तो नहीं पता, ठीक है, हमें तो नहीं पता कि सन्नी है, हमें तो नहीं पता कि भैया सन्नी है, और या फिर विक्की दूसरे नंबर पर है, या फिर यहां पर सन्नी आएगा, या फिर यहां पर विक्की आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन वाइज देख लेते हैं, ऑप्शन में देख लेते हैं क्या हितेश है, क्या हितेश तो नहीं है भैया सबसे ऊंचा, ठीक है। इसी तरीके से नितिन है, क्या क्या नितिन है, क्या वो बोल रहा है उनमें से सबसे ऊंचा कौन है, सबसे ऊंचा कौन है। यदि ऊंचाई के अनुसार ऊपर से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट अमंग ऑफ देम, तो उनकी मैक्सिमम हाइट किसकी होगी? ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम हाइट देखो किसकी होगी। सन्नी भी दे रखा है, विक्की भी दे रखा है, नहीं पता तो ई ऑप्शन आएगा, नन या सी एंड डी। ठीक है ना, हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे ना भाई कौन होगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, समझ में आ गया क्या भाई? चेक कर लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को, कहीं मिस्टेक तो नहीं है क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन देखना। अब यहां पर दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है और आपको क्या करना है, इसके अंदर ये इक्वेशन जो है इस इक्वेशन को सोल्व करना है और उसमें बताना है कि क्यू एस से किस प्रकार से संबंधित है और कोडेड ब्लड रिलेशन से रिलेटेड आप सभी लोग जानते हो कि आरपीएफ में काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए फटाफट से आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, और सही करना भाई, स्ट्रक्चर बनाना है, इस इक्वेशन को सोल्व करनी है इसके अकॉर्डिंग। ये सिंबल्स दे रखें, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, आगे वाला पीछे वाले का पिता है। ठीक है, तो फटाफट से पहले अरेंज करो, मैं बना देता हूं यहां पे आपके पास में। ये भाई दे रखा है और परसेंटेज का मतलब दे रखा है आपको बहन। ठीक है, ये चार रिलेशन दे रखे हैं सिंबल के। चलिए फटाफट से बनाइए, अब स्ट्रक्चर ही तो बनाना होता है, इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। सिंबल के मीन अगर आपने लिख लिए हैं तो कुछ नहीं करना, फिर तो स्ट्रक्चर बनाना है सीधा सा। तो चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। पी प्लस क्यू, प्लस का मतलब क्या दे रखा है? पिता, यानी कि पी पिता है, पी पिता है किसका? क्यू का। पी पिता है क्यू का, ये बनाया। फिर स्टार का मतलब है भाई, तो क्यू भाई है, क्यू भाई है किसका? आर का, ये बना दिया। फिर आर के बाद है माइनस, माइनस का मतलब है माता, आर माता है किसकी? एस की। ठीक है, पर बेटी की भी माता हो सकती है, तो बेटे की भी माता हो सकती है, एस का जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आपसे क्या बोला गया है कि क्यू एस से किस प्रकार से संबंधित है। क्यू एस का कौन लगा? भैया ये एस की मम्मी और मम्मी का भाई, मम्मी का भाई कौन होता है? मामा, तो क्यू एस का मामा लगा। ठीक है, अब ये नहीं पता कि एस भांजी है या भांजा है, हमें उससे मतलब नहीं है, रिलेशन तो क्यू का पूछा है कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एस, क्यू कौन लगा? तो क्यू तो मामा ही लगाना भाई, क्यू कौन लगेगा? मामा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, वो बोल रहा है कि कौन से शब्द का अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं। ऐसा कौन सा वर्ड है जो हम लोग नहीं बना सकते हैं? चलिए दोस्तों फटाफट से फाइंड करिए, जल्दी से बताइए कि कौन सा नहीं बना सकते हो। ठीक है, अब देखना है यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है बी एल ए एन डी। ठीक है, ये जो है बी एल ए एन डी, इसको नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि एल लेटर है ही नहीं, एल इज नॉट गिवन। ठीक है, एल गिवन ही नहीं है अबंडन के अंदर। ठीक है, चलिए अब यहां पे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। अब ये आपके सामने कोड डिकोड से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, चलिए फटाफट से सोल्व करिए, 15 सेकेंड है, लॉजिक लगाइए इसके अंदर, क्या लॉजिक लगाएंगे आप लोग। ठीक है, रिमोट का कोड ये है, तो ब्रांड का कोड ये है, तो मोबाइल का कोड क्या होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त, देखते ही समझ में आ जाएगा आपको क्वेश्चन। देखना अब यहां पर रिमोट। ठीक है, रिमोट के लिए कोड क्या लिखा हुआ है? KYSPGS, तो भैया आर का है, समझ में आ गया ना, प्लस ई के बाद FG ये हो रहा है +2, M के बाद NOP ये +3, तो सीक्वेंस समझ में आ गई होगी कि क्या चल रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है पीछे से। तो इसी तरीके से मोबाइल का कोड अगर वो पूछ रहा है आपसे, तो भैया यहां प्लस करोगे, M का N, यहां पे बनेगा Q, 3 करोगे यानी कि E, फिर यहां पे +4, ठीक है, आई के बाद जे के एल और एम प्लस 5, ठीक है, ठीक है, 12 और 5 17 यानी कि Q, और इसमें करोगे 6 तो 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 पे आएगा K, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बनेगा KQMEQN, KQMEQN, एक ही ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है और आपको सोल्व करना है क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड। तो पूरा का पूरा आज का सेशन इसी तरीके से डिजाइन है ताकि आप लोग आरपीएफ के पेपर को ढंग से समझ लें कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। चलिए फटाफट से सोल्व करिए और आंसर निकालिए इसका। टाइम्स अप दोस्तों, टाइम्स अप। चलिए अब देखिए यहां पर सीक्वेंस के अंदर दिया है 12 - 6 + 28 × 3 + 9 और क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, ठीक है। तो प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, वो गुणा है, यहां पर मल्टीप्लाई यूज करना है, ये 28 6, ठीक है। फिर आगे प्लस का अर्थ है घटाओ, ये डिवाइड, मिस्टेक कर दी है इन्होंने यहां पे क्वेश्चन के अंदर, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है, यहां पर ये डिवाइड है भाई, ठीक है, इस जगह पे डिवाइड है भाई इक्वेशन, ठीक है। डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर लेना भाई, ठीक है, ये यहां पर है डिवाइड, ठीक है, समझ गए इसको, इसको डिवाइड कर लेना। डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, प्लस का अर्थ है आपके पास में माइनस, ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है माइनस है, फिर मल्टीप्लाई का अर्थ है जोड़, प्लस का अर्थ है माइनस, और यहां पे माइनस का अर्थ दिया हुआ है डिवाइड, ठीक है, और ये 12। तो चलिए सोल्व करते हैं अब इसको, इसको सोल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, 12 में 6 का भाग लाएंगे तो 2 आएगा, 2 × 28 + 3 - 9, इसको सोल्व कर लिया, ये बनेगा आपके पास में 56, ठीक है, 56 + 3 - 9, 56 + 3 59, 59 - 9 कितना आ गया 50 हमारा आंसर आना चाहिए भाई, ठीक है, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, तो 50 आना चाहिए, फिर ऐसे क्यों आ रहा है ये, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है क्वेश्चन के अंदर। डिवाइड का या तो ये डिवाइड होगा या फिर ये डिवाइड होगा, इसको करके देख लेते हैं एक बार यार डिवाइड, ठीक है, इसको प्लस रहने देते हैं यहां पे और इसको डिवाइड करते हैं। चलिए एक बार फिर से सोल्व कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन इस तरीके से दी है, तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। डिवाइड का मीन माइनस, ठीक है, यहां पर डिवाइड है, डिवाइड का मीन माइनस, और माइनस का मीन क्या है फिर, माइनस का मीन तो डिवाइड ही है, ठीक है, डिवाइड का मीन माइनस, माइनस का मीन डिवाइड, ये हो गया। चलिए अब आगे मल्टीप्लाई का मीन क्या है, मल्टीप्लाई का मीन है प्लस, और प्लस का मीन है मल्टीप्लाई 9। चलिए इसको सोल्व करते हैं फटाफट से। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, मतलब वहां पे एग्जैक्ट सही दिखेगा, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पर कुछ मिसमैच हो गया कोई बात नहीं, ये 2 फिर -28 प्लस ये कितना बनेगा 27, तो इसको सोल्व करो फटाफट से, कितना आएगा 2 - 28, ये आपके पास में आ जाएगा माइनस के, या इसको ले लें, ठीक है, तो 29, ठीक है, 29 - 28, 29 - 28 बिल्कुल आ गया हमारा आंसर 1 आ रहा है बिल्कुल डेफिनेटली, ये रहा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पर सिंबल आपको सही मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके पास में है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन में लॉजिक लगा पाते हैं, ठीक है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, और आराम से आपके पास 25 सेकंड है इसके लिए, देखना पहले ध्यान से समझना, लॉजिक लगाना है। 19 - 13 से 36 कैसे बना, 37 - 28 से 81 कैसे बना, तो वही लॉजिक 43 - 38 में ए कैसे आएगा, ठीक है, इस तरीके का लॉजिक लगाना है भाई आपको। चलिए लगाइए, लगाइए फटाफट से लॉजिक लगाइए इसके अंदर, टाइम सब दोस्तों, ठीक है भाई, देखना इधर साफ साफ दिखाई दे रहा है यार, इसके अंदर देखोगे आप 19, 36 और ये 13, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो यहां पर, 19 - 13 = 6, और भैया 6 का स्क्वायर बनेगा कितना 36, बीच वाली संख्या, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है 37, 81, 28, ठीक है, तो 37 इन दोनों को देखना भाई, यहां पे समझना इधर। तो 37 माइनस 28 कितना हो गया, ये हो गया 9, और 9 का स्क्वायर बिल्कुल कितना दे रखा है 81, सही है कि नहीं है, 81 बीच वाली संख्या दे रखी है, तो इसी तरीके से कर देंगे 43, और यहां पर दे रखा है a, तो a की वैल्यू निकालनी है, और ये दे रखा है 38, तो 43 माइनस 38 कितना हो गया भाई 5, और 5 का स्क्वायर डेफिनेटली कितना है 25, तो आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या बनने वाला है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से, और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, क्या लॉजिक लगने वाला है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से करिए और लॉजिक लगाइए कि क्या लॉजिक आने वाला है। थ्री सेवन टू फोर एट थ्री वन सेवन वन सिक्स टू, तो क्वेश्चन मार्क, चलिए फटाफट से लगाइए दोस्तों। अरविंद, पवन, चलिए जल्दी से करिए, अंजू फटाफट से। अब देखिए यहां पर एक लॉजिक लग रहा है फर्स्ट वाले के अंदर। देखिए यहां पर देखना क्या बन रहा है सीक्वेंस। अगर आप कर दोगे 2 into 3 into 7 into 4, ये तो ये बनेगा आपके पास 168, 24 7 168, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वाला, अगले वाले के लिए भी अगर राउंड देखोगे तो क्या बनेगा, 1 into 8 into 3 into 7, ठीक है, 24 7 वापस से बन रहा है 168, 168। तो अगला वाला बन जाएगा 1 into 2 into 6 into क्वेश्चन मार्क, उसकी जगह x बराबर 168, तो भैया x की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 12x बराबर 168, ठीक है ना। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और इसको सोल्व कर रहे हैं, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 168 डिवाइड बाई 12 बन जा 12 और 12 3 48, तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास 13 हमारा आंसर होगा, सॉरी 12 12 1 12 12 4 48, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 14 हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 13 नहीं कितना 14, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने सिलोज्म से रिलेटेड। भाई 3 से 4 क्वेश्चन सिलोज्म के भी आ रहे हैं, तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस तो कभी छोड़नी ही नहीं है, कंटिन्यूसली करना है और कंटिन्यूसली बेसिस पर सही आंसर निकालना है। फटाफट से 20 सेकंड आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट होता है आपका टाइम अब। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को फास्ट तरीके से और जल्दी से कर पाते हैं, ठीक है। टाइम्स अप दोस्तों, टाइम्स अप। चलिए अब देखिए यहां पे, सभी कीट खतरनाक हैं, सभी कीट खतरनाक हैं, सभी मशीनें खतरनाक हैं, सभी कीट खतरनाक हैं, ठीक है, और सभी मशीनें खतरनाक हैं। ये एम को भी इसके अंदर बना दिया। तो अब वो बोल रहा है सभी खतरनाक कीट हैं, क्या सभी खतरनाक कीट हैं क्या, ये गलत हो गया, ठीक है। फिर आगे सभी खतरनाक मशीनें हैं, क्या सभी खतरनाक मशीनें हैं, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। कुछ मशीनें कीट हैं, क्या मशीनें कीट है क्या, नहीं है, तो सारे ही गलत हो गए, सारे गलत हो गए, तो नो कंक्लूजन फॉलो, यानी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, समझ में आया कि नहीं आया, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है ओपन डाइस से रिलेटेड, ठीक है, ओपन डाइस से रिलेटेड है, और आपको बताना है कि कौन सी आकृति आप मोड़कर बना सकते हो। जल्दी से 20 सेकंड बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन के लिए, मैंने आपको लॉजिक भी बताया था बहुत प्यारा सा, ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए, तो चलिए जल्दी से करिए। चलिए अब देखना इधर दोस्तों, ठीक है। अब कौन किसके अपोजिट है पहले ये देख लेते हैं। 2 के अपोजिट क्या है 4, 6 के अपोजिट क्या है 3, और भैया ये 1 के अपोजिट क्या है 5, तो देखना इधर 1 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट है 4, और 6 के अपोजिट है 3, ठीक है। अब यहां पर देखना इस आंसर फिगर के अंदर देखो कौन सी चीज ऐसी है जो आपको दिखाई दे रही है। देखना इधर 1 6 5 दिखाई दे रहा है, 1 इसमें से आ रहा है, 6 इसमें से आ रहा है, ठीक है ना, पर 5 फिर इसमें से आ रहा है, तो ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत फलके हैं, तो विपरीत फलके कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है, पर 1 और 5 एक साथ दिखाई दे रहा है तो ये तो नहीं बनेगा। 2 5 4, तो 2 5 और ये 4, 2 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो ये भी नहीं बनेगा। 1 4 6, ठीक है, 1 4 6 तीनों अलग अलग आ रहे हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली ये बनेगा और डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। 6 और 3 एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है ना, तो इसलिए डी ऑप्शन को क्रॉस कर दिया। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, चलिए अब आइए आपके पास में है, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। कितने लोग क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कितने लोग क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं, चलिए जल्दी से बताइए। कितने लोग क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। चलिए फटाफट से रिप्लाई करिए। चलिए अब देखिए यहां पर आंसर देखना, कितने लोग क्रिकेट और टेनिस की बात कर रहा है, क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो भैया अरे सोच समझ के जवाब दो। क्या उसने हॉकी के लिए मना किया है क्या क्वेश्चन में? नहीं किया है ना, तो भले से कॉमन पार्ट में आए, हमें क्या मतलब है। टेनिस हमारा सर्किल है और क्रिकेट हमारा ये ट्राइंगल है, तो दोनों पोर्शन में आने वाला कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये है ना भाई, ये हमारा कॉमन पोर्शन है। 15 प्लस 17, 15 प्लस 17 कितने हो गए, 32 हो गए, सीधी सी बात है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोग इसका आंसर 17 कर रहे हैं, अरे मूर्खों वाली हरकतें मत करो, इसने हॉकी के लिए मना नहीं किया है, मना नहीं किया है तो भाई अगर कॉमन वाले में आता है तो हमेशा शामिल करते हैं। इसने हॉकी के लिए मना नहीं किया है ना क्वेश्चन में, तो भले से टेनिस और क्रिकेट के कॉमन वाले में आए, वो हमें उससे मतलब नहीं है, हम तो लेंगे। 17 और 15 कितने हो गए, 32 हो गए, सिंपल सी चीज है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए यहां पे आकृति के प्रारूप को पूरा करेगी, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आकृति के प्रारूप को पूरा करेगी, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, बिल्कुल सही होना चाहिए, सोच समझ के जवाब दो। ऐसी कौन सी चीज है जो इस आकृति को पूरा कर देगी भाई, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, मैक्सिमम लोगों का बिल्कुल सही आंसर है, सी ऑप्शन आएगा। इस तरफ आ रहा है, ये तो बनेगा नहीं, ये भी बनेगा नहीं, ये बंद हो रहा है पर लाइन आ रहा है नीचे आ रहा है तो ये भी नहीं बनेगा, सी ऑप्शन आएगा, बिल्कुल टच होएगा यहां तक, इस तरीके से सीक्वेंस बनेगी भाई, क्लियर है कि नहीं है, इस तरीके का सीक्वेंस बनेगा, सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर क्या बनेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके पास में, ठीक है, अब आपको बताना है इसके अंदर कौन सी प्रश्न आकृति में निहित है ना, ये जो प्रश्न आकृति दे रखी है ये कौन सी आकृति में निहित है आपको बताना है। ये वाला शेप कौन से ऑप्शंस के अंदर आ रहा है, चलिए फटाफट से बता दीजिए दोस्तों। ये वाला शेप किसमें आ रहा है भाई, फटाफट से बताइए भाई, कोई बात नहीं समय ले लो लेकिन सही बताना यार, आराम से देख के बताओ, जल्दीबाजी मत करना, बिल्कुल ये बताओ कि ये शेप किसमें दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला शेप ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें ये शेप आपको दिखाई दे रहा है। टाइम्स अप दोस्तों, टाइम्स अप। चलिए देखिए अब इधर ये वाला जो शेप है, सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन में बिल्कुल दिखाई दे रहा है ये वाला शेप, ठीक है ना, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं आराम से, क्लियर है कि नहीं है। देखो ना यार ध्यान से देखो इस शेप को, ये रहा, इधर से देखोगे आप, ये शेप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो, देखिए इसको पकड़ के जब आप ऐसे करेंगे तो यही तो शेप बनेगा, ठीक है, तो ये आ तो रहा है शेप, कहां दिक्कत है, सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। चलिए आराम से करिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब ये आपको दे रखा है, किससे रिलेटेड क्वेश्चन है समझ गए होंगे, पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, और पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बताना है कि जब इसको ओपन करेंगे तो किस तरीके का शेप आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है। ये दे रखे हैं तीर के निशान इस तरीके से, ठीक है, तो ये त्रिभुज है, इसको ओपन करेंगे तो किस तरीके का शेप दिखाई देगा भाई? ये गोले है ना, जब इनको ओपन करोगे तो ये पूरे गोले के अंदर ये गोले क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे ना, कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट सर्किल बन जाएगा इस तरीके से, और ये खुल जाएगा इस तरीके से, गोल बन जाएगा। तो बिल्कुल ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ए ही ऑप्शन होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल सुस्त मत हो, जल्दी से अब फटाफट से एक दो क्वेश्चन आप लोग करके बताओ ये वाला, ठीक है? मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न है आपके पास में। चलिए देखिए फटाफट से, बिल्कुल मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न है। अरे भाई नीचे देख लो, ये लाइनें बन रही है ना, ये लाइन है, दर्पण प्रतिबिंब में भी स्टार तो स्टार ही दिखेगा, स्टार थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, सही है कि नहीं? और ये जो लाइन है, ये दो लाइनें बिल्कुल इसी तरीके से दिखाई देगी नीचे। तो कितने ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें ये दो लाइनें एग्जैक्ट इसी तरीके से दिखाई दे रही है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसको देख लो, इसमें है लेकिन टेढ़ा हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिर्फ ये नीचे का हिस्सा देख लिया, बिल्कुल सही आ रहा है, मैच कर रहा है, तो बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट से होना चाहिए, ठीक है? पहले ही बता देता हूं कि भैया जैसे मैंने लिखा इस P को पकड़ा, P, तो P का कोड दे रखा है आपको 3 और 1, ठीक है? P का कोड क्या दे रखा है? 3 और 1। ये 3 जो रिप्रेजेंट करेगा रो को, यानी कि ये पंक्ति, और ये उठाना है आपको कॉलम, ठीक है? कॉलम उठाना है आपको। तो चलिए फटाफट से बताइए कि पॉन्ड का कोड क्या बनेगा, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, ठीक है? 20 सेकंड का समय है, चलिए फटाफट से करिए। पॉन्ड का कोड क्या बनने वाला है? पॉन्ड, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जबरदस्त, अरे वाह यार, मजा आ गया। चलिए देखिए अब इधर, ये टाइम सब हो चुका है, बिल्कुल इससे ज्यादा तो टाइम भी नहीं है इसके लिए। पॉन्ड के लिए चेक करते हैं 00, 00 चेक करो, क्या पी में 00 आ रहा है क्या? बिल्कुल, POND 00 आ रहा है। फिर है POO के लिए 04, तो ये 0 और ये 4, 04 पे O आ रहा है, बिल्कुल पॉन्ड। फिर 67 चेक करो, 67 पे आ रहा है क्या? N आ रहा है क्या? 67 पे N, तो ये 6 और 7, बिल्कुल 67 पे N आ रहा है। और D 57 चेक कर लो भाई, 57, 5 और 7, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, पहला ही ऑप्शन हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, बिल्कुल दोस्तों। इसी तरीके से क्वेश्चंस करते रहने, बहुत ही धमाकेदार तरीके से, है ना दोस्तों, क्योंकि हमें पूरे नंबर चाहिए। तो आज का सेशन जैसा था, इसी तरीके से कंटिन्यूअसली सेशन चलेंगे। रीजनिंग सीखनी है तो डेली लाइव आओ और मजे करो दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से डेली पेन और पेपर लेके बैठो, ठीक है ना? जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं बोल दूं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक है? साथ ही साथ अगर आपको ये आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, तो वाईफाई स्टडी की ऐप दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाकर, और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स? बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।